खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 139 साल बाद ग्रहों में एक अद्भुत और महाबदलाव हो रहा है। 5 मई 2023 के दिन बुध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों ही एक साथ लगने जा रहे हैं और इसी के साथ साल 2023 का यह सबसे पहला चंद्र ग्रहण है जो कि सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद लगने जा रहा है। चंद्रमा और केतु की युति एक साथ मिलकर 5 राशियों का भाग्य एकदम से चमकाने जा रही है। 5 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों, साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ यह भी जानेंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन कौन कौन से 5 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य उदय होने जा रहा है, उनकी किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। दोस्तों 5 राशि वालों को चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की देखने को मिलेगी, उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा, विवाह का योग बनेगा और साथ ही मित्रों धन की जो परेशानी चल रही है वो धीरे धीरे दूर होगी और इसी के साथ 5 राशि वालों को कर्ज से छुटकारा मिलने का योग भी बन रहा है। तो चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की जानकारियों की तरफ। ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई यानी कि बुध पूर्णिमा की रात को 8:45 से शुरू होगा जो कि रात को 1:02 तक रहेगा। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत के साथ ही विश्व के कई राज्यों में दिखाई देगा। विशाख पूर्णिमा पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो कि पृथ्वी के बाहरी भाग पर पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। करीब 135 साल बाद इस तरह का एक अद्भुत और महासंयोग बन रहा है कि बुध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह दुर्लभ संयोग कई राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा, उनके जीवन में सफलता के द्वार खुलेंगे, नौकरी और करियर के क्षेत्र में नए नए अवसर मिलेंगे और धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों बुध पूर्णिमा का अपने आप में एक बड़ा और विशेष महत्व होता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण और बुध पूर्णिमा का भाव दोनों ही एक ही साथ बनने के कारण चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले दान का महत्व भी कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन के चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मार कर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी इनको नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि चंद्र ग्रहण और बुध पूर्णिमा एक साथ एक महासंयोग बना रहे हैं। उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता को भरपेट भोजन खिलाया जाएगा, उनको हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, आप हरे चारे के लिए दान करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 11 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर देव और भगवान न्याय के देवता शनिदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों जानते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र ग्रहण शाम के समय हो रहा है और बुध पूर्णिमा के दिन होने जा रहा है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी ना तो खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना खाना चाहिए। घर में खाने पीने की जो भी वस्तुएं रखी हो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, जिससे ग्रहण का ऐसा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध नहीं करें, किसी से वाद विवाद नहीं करें। अगर आप ग्रहण के दिन क्रोध करेंगे ना तो अगले 15 दिन तक आपको इसका खतरनाक असर झेलना पड़ सकता है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है ना, वो काफी ज्यादा हावी हो जाती है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण की अवधि में यानी कि 5 मई की रात में पति पत्नी लड़का लड़की भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, एक साथ समागम नहीं करें। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ और सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना ज्यादा फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन शुद्ध जल से स्नान करके गरीब लोगों को दान जरूर करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं और ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध जरूर करना चाहिए। नहा धोकर तैयार हो जाएं, घर की साफ सफाई करें और घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद दोस्तों जरूरतमंद लोगों को दान करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और जीवन में खुशियों के द्वार लूटने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा और केतु की जो युति एक साथ बन रही है, 135 साल बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है ना, जिससे किन किन राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। तो सबसे पहली राशि की अगर बात करें तो वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा गै छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों साल 2023 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिन की सौगात लेकर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपको कोई भी बड़ा पद इस साल मिलेगा और नौकरी के नए नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा नया कारोबार शुरू करने की प्लानिंग भी बन सकती है, विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। मिथुन राशि वाले अगर आप अपना कोई भी खुद का काम करते हैं तो बिजनेस में आपको लाभ होगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इस साल 2023 में चंद्र ग्रहण के बाद मिथुन राशि वालों का विवाह का योग भी बनेगा और अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। यह साल 2023 का जो चंद्र ग्रहण है ना वो आपके भाग्य को उदय करके आ रहा है। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों, चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों साल 2023 का जो पहला चंद्र ग्रहण है
वो सिंह राशि वालों के भाग्य को बदलने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण और बुध पूर्णिमा एक साथ लगने के कारण सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत ही शुभ फलदायी होगा। अगर आप विद्यार्थी है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको कोई भी अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से आपके अटके हुए कोर्ट कचहरी के काम भी पूरे होंगे। नौकरी करने वालों का प्रमोशन का योग बन रहा है। कड़ी मेहनत आपके रंग लाएगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इस साल 2023 में मई के बाद आपको धन का लाभ बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है वो है मित्रों मकर राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर जा जी खी खू खे खो गा गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि वालों के लिए भी साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही खास होगा। करियर और कार्य क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। कारोबार में लाभ होगा। धन और संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके व्यापार में विस्तार होगा और इस साल 2023 में आप अपने व्यापार में बहुत ही अच्छी तरक्की कर सकते हैं। मन चाहा प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। मित्रों